राजनांदगांव जिले के गांधी सभागृह में महिला बाल विकास के द्वारा एक सेमिनार के तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के कलेक्टर उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने बेटी पढ़ाओ भाव के साथ सभी को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है कि जितनी अधिकतर पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है, महिलाओं को भी सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है, इसलिए बेटी को भी खूब पढ़ना चाहिए ताकि वह भी अपने देश का नाम रोशन कर सके। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं और लड़कियों का भी सम्मान किया गया। इसी बीच बाल विकास महिला अधिकारी ने बताया कि लड़कियों की उम्र होने के बाद ही उनका विवाह करना चाहिए ताकि उसके पहले लड़कियां अच्छे से पढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आज एक महिला जागृति शिविर का आयोजन यहाँ पे हुआ है, उसमें बेटी बचाओ पे भी है। उसमें इस तरह से बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी उस पे भी है, और यहाँ पे बेटियों ने बहुत अच्छा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो खेल के कुछ आयोजन हुए, यहाँ की बच्चियां गई थी नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी खेलने गई थी, कराटे, पेंटिंग, ड्राइंग्स, बहुत सारी विधाओं में यहाँ की बच्चियों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनको आज सम्मानित करने का एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, उसमें सब लोगों को सम्मानित किया गया। अभी बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना लेके चल रहे हैं। राजनांदगांव में बाल विवाह का प्रतिशत कम है लेकिन शून्य नहीं है, हमको उसको शून्य पे लाना है, क्योंकि आप लोग को सभी सभी ये जानते जरूर हैं कि बच्ची का विवाह 18 होना चाहिए, लेकिन 18 से पहले यदि हो जाता है तो बच्ची चूंकि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है, इसलिए ना केवल बच्ची प्रभावित होती है इससे बल्कि जब वो माँ बनती है तो बच्ची का स्वास्थ्य भी खराब होता है और जो आगे बच्चा जन्म लेता है फिर वो भी कुपोषण और शिशु मृत्यु ये सब में चला जाता है। इसलिए बाल विवाह की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी थीम को आज लेते हुए हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें साथ ही बेटियों को भी पढ़ाने पे और उनका विवाह ना करके बल्कि उनको अधिक पढ़ाया जाए, और आज बहुत सारी बच्चियों का ऐसी बच्चियों का भी सम्मान किया गया जो खेल में जिन्होंने राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। तो ये एक प्रेरणा है कि हम बच्चियों को भी आगे लाएं, उनके विवाह की ना सोचें बल्कि उनको भी अच्छा पढ़ाएं खेल कूद में और जिस भी गतिविधि में वो अच्छी हैं उनको आगे लेकर आए।